हाँ तो गाइस अभी देख लीजिए, मैं आपको लाइट दिखा देता हूँ जो कि मैंने नहीं दिखाया था। ये आप देख सकते हैं, इसमें दो लाइट आपको मिल जाती है। अभी इस समय DRL सिर्फ जल रहे हैं, इससे मैं DRL का लाइट कम ज़्यादा कर सकता हूँ। और ये जल गई आपकी प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर की आपको फोकस दिख रहा है कितना है। बाकी आप लोग बताइए कि आपको लाइट कैसी लगी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स। आज हमारे पास दो गाड़ी हैं और हमेशा की तरह दो ही गाड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक है FZX नई वाली जो आई है अभी रिसेंटली, और बगल में है उसके FZS। तो ये BS6 है। मैंने सोचा आप लोग को इसका एक कंपैरिजन वीडियो बना दूँ, क्योंकि दोनों जो है ना, मतलब इंजन सेम है लेकिन लुक जो है डिफरेंट है। ये थोड़ी रेट्रो है और ये थोड़ी मॉडर्न है। अगर देख सकते हैं आप दोनों का, आप लुक देख सकते हैं, दोनों का जो लुक है एकदम डिफरेंट है। इंजन दोनों के सेम है, तो दोनों FI भी है साथ ही साथ। जैसे कि BS4 में ये कार्बोरेटर आती थी, अभी ये FI आ गई है। तो सबसे पहले हम बताते हैं FZX के डिटेल्स। तो अगर मैं पावर की बात करूँ FZX की, तो इसमें आपको मिलती है 12.4 PS पावर, एंड जो NM है वो 13.4 का है। 13.3 13.4 मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें आपको मिलता है 12.4 PS की पावर और 13.6 NM का टॉर्क। टॉर्क थोड़ा ज़्यादा है, इसका एक ड्रैग रेस भी आने वाला है, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहिए, क्योंकि इन दोनों की आपको हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे रियल टाइम रोड में कि क्या मतलब परफॉर्मेंस है। वैसे तो ये दोनों बाइक परफॉर्मेंस के लिए नहीं बनी है, क्योंकि ये दोनों बाइक एक कम्यूट बाइक है, ज़्यादा तेज़ नहीं भागती है, इंजन में इतना ज़्यादा पावर नहीं है। 149 cc का इंजन है, एयर कूल्ड इंजन है। चलिए हम टायर की बात करते हैं। तो ये थोड़ा ऑफ रोड और मतलब रोड एंड ऑफ रोड दोनों को देख के बनाया गया है। तो आप टायर देख सकते हैं, ये टायर आपको मिलते हैं MRF के 140 सेक्शन टायर हैं, रेडियल टायर हैं, बहुत ही बढ़िया टायर लगते हैं मेरे को। मतलब मैंने अभी इसको ऑफ रोड किया तो मतलब ग्रिप बहुत अच्छी है। और अभी देख सकते हो आप लोग, बारिश वाला मौसम है, थोड़ा अगर वेट में भी मैं इसको चलाता हूँ ना तो बहुत अच्छी चल रही है। लीन ज़्यादा नहीं हो सकती है क्योंकि जो इसका फुटरेस्ट है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। अगर इसको ज़्यादा आप लीन करते हैं जैसे पहाड़ों में तो हो सकता है ये लड़ जाए, बट अभी हमने टेस्ट नहीं किया, टेस्ट करके ज़रूर बताएंगे। माइलेज भी आएगा इसका। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको इसका जो सैडल हाइट है वो कितना है। मेरी हाइट है 5.8, तो आप देख सकते हो मेरे पैर कितने आ रहे हैं। इसकी जो सीट है वो थोड़ी सी चौड़ी है, जिसकी वजह से हमारे थाइस जो है ना थोड़े से फंसते हैं, लेकिन बाइक जो है हल्की है, 139 kg की है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आपकी कम हाइट है। अगर आपके ऐसे भी आते हैं तो ठीक है, तो आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, बहुत हल्की है। और वही मैं FZS की बात करूँ, आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे चेंजेस मिल जाएंगे आपको, क्योंकि ये पूरी कॉस्मेटिक चेंज है इसमें। ये रेट्रो बाइक है। इसकी जो प्राइसिंग आपको मिलती है एक्स शोरूम लखनऊ 1,12,000 की, इसकी जो मिलती है 1,19,000 की, तो दोनों में डिफरेंस है, मतलब 4,000 से 5,000 का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। चलिए इसकी भी सैडल हाइट आपको दिखा देता हूँ, क्या सैडल हाइट है इसकी। ये भी लगभग सेम ही है, मतलब 805 mm का है। बाकी अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा, लिख के आ जाएगा। बाकी मतलब जो फील आ रहा है वो सेम आ रहा है, बट वो थोड़ी स्मूथ लग रही है, मतलब स्मूथ बोले तो सॉफ्ट है उसकी जो सीट है। इसकी जो है थोड़ी साइड में हार्ड है। एंड आप लोग इसकी हेडलाइट देख सकते हैं, इसकी जो हेडलाइट है इसमें LED आपको मिलती है, बट यहाँ पे आपको क्या है DRL के साथ प्रोजेक्टर लाइट्स मिलते हैं। इसका जो स्पीडोमीटर है वो थोड़ा चेंज है FZ से। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है, तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आपको मिलेगा। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो स्पीडोमीटर है बहुत छोटा सा है और ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है। और गियर शिफ्ट इंडिकेटर आपको दोनों बाइकों में नहीं मिलेगी। बाकी आप डिज़ाइन देख सकते हैं, दोनों डिफरेंट है। चलाने से पहले मैं इसके टायर की बात भी कर देता हूँ। ये जो टायर है वो रोड टायर है, ये आपको मिलते हैं MRF के, जैसे कि वो है ऑफ रोड एंड रोड दोनों के लिए बने हैं। ये बेसिकली रोड के लिए बने हैं। इसका जो सेक्शन मिलता है 140 का मिलता है। दोनों की टायर के जो साइज़ है सेम है। चलिए इन दोनों को आप चलाते हैं और आपको बताते हैं कौन सी गाड़ी बढ़िया है चलने में। वैसे तो गाड़ी दोनों सेम है, इंजन दोनों सेम है, बस डिज़ाइन का फ़र्क है। और अगर आपको इस तरीके की बाइक लेनी है थोड़ी मॉडर्न टाइप की, तो आप इसको ले सकते हो। और अगर आपको थोड़ी सी रेट्रो लुक में जाना है तो आप इसके साथ जा सकते हो। बाकी कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं और इंजन सेम है, आपको परफॉर्मेंस सेम मिलने वाली है। बाकी आपको ड्रैग में हम बताएंगे कि किसकी इनिशियल और किसकी मिड रेंज ज़्यादा है और टॉप एंड किसकी ज़्यादा है। चलते हैं, चलाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलिए चला के दिखाते हैं आपको FZX, एंड उसके बाद हम दिखाएंगे FZS, दोनों के बारे में आपको बताएंगे। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, इसकी जो टैंक है वो 10 लीटर है, इसमें 12 लीटर आती थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम कर दिया गया है। बाकी लुक आप देख सकते हैं दोनों की साथ में, तो आपको ये पसंद है ये पसंद है कमेंट करके बताइए। चलाते हैं और बताते हैं फील क्या है दोनों का, ठीक है, एक्सपीरियंस करेंगे और बताएंगे। हमारे साथ में अंकुल भाई चलेंगे, वो चलाएंगे FZ और मैं चलाऊँगा ये। चलिए हम इधर से जाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ से ऑफ रोड कहाँ से होके जाती है, क्योंकि थोड़ी ऑफ रोड गाड़ी है ये, तो हमने कहा चला के भी देख लेते हैं ऑफ रोड में कैसे चलेगी। हालांकि बाइक बहुत बढ़िया है, मुझे तो मतलब पर्सनली बहुत बढ़िया लगी। पावर नहीं है उतनी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ये पावर के लिए नहीं बनी है,
तो अंकुल भाई आ रहे हैं FZ लेके, FZS और ये FZX, अंतर सिर्फ S और X का है, बाकी भाई ये कंफर्टेबल है जैसा कि आपको मैंने बता दिया अपने रिव्यू में। अगर आप लोग ने रिव्यू नहीं देखा तो आई बटन पे आ रहा है, देख लीजिए, वो डिटेल रिव्यू है और ये कंपैरिजन रिव्यू है। तो दोनों में से कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, उससे मुझे ये पता चलेगा कि मुझे नेक्स्ट टाइम से कौन सी वीडियो बनानी है। ओ भाई देख लो, देखो पावर में कोई कमी नहीं, ईजिली चढ़ गई, बोल रहा हूँ ईजिली चढ़ गई वहाँ से। बाकी आप देख सकते हो इसका लुक एकदम डिफरेंट है ना, मॉडर्न और ये रेट्रो, दोनों का क्लास एकदम अलग है। बाकी इसका जो क्रोम लुक है वो बढ़िया लग रहा है दिखने में, है ना, और लुक भी थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक, मतलब फ्यूचरिस्टिक क्या, मॉडर्न टाइप का लग रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा XSR जो आती है XSR की तरह ज़्यादा लग रही है। बाकी आप देख सकते हैं यामा की जो FZS है वो बढ़िया लग रही है दिखने में। और भाई मुझे पर्सनली अगर मैं बोलूँ, मुझे थोड़ा सा रेट्रो बाइक पसंद है, और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम में तो आप लोगों को पता होगा मेरे पास इंटरसेप्टर है 650, जिसको मैंने थोड़ा रेट्रो स्टाइल किया हुआ है, एंड ये भी उसी तरीके की है। मुझे XSR इसकी बहुत पसंद है, मैं वेट भी कर रहा हूँ कब से। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये बाइक देखिए अभी जो है ना स्टॉक है, लेकिन ये ऐसी रेट्रो बाइक है ना, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप बार एंड मिरर लगा सकते हैं, आप ग्रैब रेल को चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं जैसा कि एक टूरर बाइक में होता है। तो यहाँ पे इसके एसेसरीज़ भी आने वाली हैं, ठीक है, तो वेट करिए थोड़ा, यामा इसकी एसेसरीज़ भी निकाल देगा, एंड देख लीजिए ये बढ़िया बाइक है। थोड़ा सा भगाने की कोशिश, मुझे लगता है इसका मिड रेंज ज़्यादा होगा और इसका टॉप एंड ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी टॉप एंड में कौन निकलती है वो देखा जाएगा। बाकी बाइक दोनों बढ़िया चल रही है, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। आप देख सकते हो 90 में मैं हूँ इस समय, इसको क्रूज़ कर सकते हो आप 90 से 90 to 95 आप उसको क्रूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो इसका पॉस्चर है ना वो भाई मज़ेदार है, आप टूर बहुत ईजिली करोगे इससे, 500 किलोमीटर तो ईजिली आप जाओगे। तो क्या बोलते हो पब्लिक, लद्दाख चला जाए क्या इसी बाइक से? देखते हैं भाई, कुछ भी प्लान होता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अभी क्या करेंगे, हम राइडर चेंज करेंगे और लुक एंड फील लेंगे उस गाड़ी का और आपको बताएंगे कि कौन सी गाड़ी बढ़िया है। अब हम चलाएंगे FZS और भाई चलाएंगे FZX, लेट्स सी। हाँ भाई बिल्कुल सिटी के लिए परफेक्ट गाड़ी है। अभी इवन मालूम है, मैं तो ये बोलता हूँ, अगर मान लो बाई चांस मेरे पास पैसा नहीं है और मैं अगर कोई टूरर बाइक लेना चाहता हूँ और मेरी कोई नीड नहीं है कि मुझे 90 से ज़्यादा जाना है, तो मुझे लगता है ये बेस्ट है, इस प्राइस सेगमेंट में बेस्ट बाइक, बेस्ट बाइक है। और इवन बहुत लोग बोलेंगे महंगी है, भाई ऐसी मतलब रेट्रो स्टाइल में बाइक इतने प्राइस में अभी तक नहीं आई है। अच्छा इसका जो पिक्चर से अगर कंपैरिजन, हाँ तो भाई बिल्कुल अलग है, इन पर्सन अगर इसका प्रेजेंस, बिल्कुल अलग है भाई। जब इसका पिक्चर आया था मैंने कहा क्या निकाल दिया है, वेरी कैप्टिवल, मतलब इसकी जो हेडलाइट थी ये सब मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, बट इन पर्सन टैंक काफी बड़ा है, मतलब लेकिन है, लेकिन एक चीज है यूज तो किया है लेकिन टैंक लीटर जो है ना वो कम दिया है, 10 लीटर वैसे अगर आप टूर भी करते हैं ना तो 10 लीटर सफिशिएंट है, क्योंकि इसका माइलेज अच्छा होने वाला है। बाकी आप इसकी सीट दे सकते हैं, सीट जो है इसकी स्लीक सी है, ठीक है, थोड़ा एरोडायनेमिक, और उसकी जो सीट है रेट्रो, बहुत कंफर्टेबल यार, अपराइट है एकदम, मतलब जैसे लग रहा है बस रिलैक्स होके जाना है। इससे क्या होगा ना, तुम्हारी जो मैनेवरिंग है ना बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब फील लगेगा कि आप कम स्पेस में मैनेवरिंग कर लोगे, जब ज्यादा होती है ना तो थोड़ा इंसान के दिमाग में होता है कि कहीं लड़ ना जाए। ऊंची है ये, शॉर्ट हैंडल आप देख सकते हो, ये जो आ रहा है ना ऊपर उठा नहीं है, उसमें उठा हुआ है। सबसे पहले जो डिफरेंस आता है ना वो आता है फुटरेस्ट का, फुटरेस्ट का, इसमें एक बार में आप नहीं रख पाओगे, नहीं आपने उसको चला, हाँ तो इसमें पहले मैंने यहाँ रखा, हाँ क्योंकि इसका जो फुटरेस्ट है देखिए पीछे है, उसका आगे की तरफ है, और हाँ ये स्ट्रेट है 90 डिग्री, जिसकी वजह से कंफर्टेबल होने वाला है। मैं रख रहा हूँ, ये देखो आप, ये थोड़ा सा पीछे की, ये 65 मान लो, हाँ 60-70 डिग्री मान लो। तो एक चीज़ और मैं बता दूँ, इन लोगों ने एक चीज़ बहुत सही दी हुई है, स्टैंड पे ये बंद हो जाती है, सेफ्टी फीचर है, लेकिन ये बंद नहीं होती। मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, ये देखिए अभी स्टैंड पे है और गियर पे भी है, ये देखिए ये स्टार्ट हो जा रही है और ये स्टार्ट नहीं हो रही है, लेकिन अब ये जब गियर लगा देगा बंद हो गई, देखिए। तो ये सेफ्टी फीचर है। और अगर आप लाइट देखें, लाइट इसकी बहुत खूबसूरत है, LED है, आगे DRL दिए हुए हैं, इसमें नहीं मिलते हैं। और इसका जो ये छोटा सा जो है ना, मतलब ये मुझे बहुत पर्सनली अच्छा नहीं लगा, उसका बेटर है, और इसमें ब्लूटूथ वाला कुछ भी नहीं मिलता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर दोनों में नहीं मिलते जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, टायर इसके ऑफ रोड एंड रोड दोनों के लिए हैं। तो एक तरीके से यामाहा ने भाई टूरर बनाने की कोशिश की है और XSR को थोड़ा सा कॉपी किया है FZ में, ठीक है।
बाकी ABS आपको मिल जाते हैं दोनों में, सिंगल चैनल ABS है, दोनों FI इंजन मिलते हैं। बाकी लुक आप देख सकते हैं, लुक में बढ़िया है और लाइट भी एकदम बढ़िया लग रही है। अगर ये ज़्यादा CC में, या तो मान लो 155 CC दे दें यामाहा R15 का, तो भाई मज़े ही कुछ और होंगे। जैसा कि XSR जो आती है वो 155 CC की है, जिसमें R15 का इंजन है, मैं उसी गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कब तक आती है। थोड़ा भगाते हैं, भाग रही है भाई, ये भाग रही है। तो इसमें भी आप क्रूजिंग कर सकते हैं 80 to 90, कोई इशू नहीं है, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। 85 पे चल रहा हूँ और 85 में मुझे वाइब्रेशन बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि हाँ, आप इसमें क्रूजिंग ईजिली कर सकते हो 80 to 90 किलोमीटर पर आर की स्पीड में। अगर आप बहुत ही ज़्यादा टूरर टाइप हो, टूरर काइंड ऑफ पर्सन हो, तो 80 to 90 क्रूजिंग एकदम सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि अगर आप टूरर हो तो आपको पता है 80-90 क्रूजिंग जो होती है एकदम सही होती है, इसमें आपको बिल्कुल भी टायर्डनेस महसूस नहीं होगी, विंड ब्लास्ट भी नहीं आएगा इतना। बाइक ओवरऑल अच्छी है, साइड से ये तो बहुत ही बेहतरीन लग रही है। बस इसकी ग्रैप रेल जो है मुझे इतनी पर्सनली अच्छी नहीं लगी, बट इसके आफ्टर मार्केट जो भी आएंगे उसके बाद देखते हैं कि क्या रिजल्ट होते हैं। बाकी अपने दोस्त किए, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करवाएंगे हम इसमें, चला जाए, सोच रहे हैं इसी से लद्दाख चलें, पैसा बच जाएगा। तो ये वीडियो थी हमारी एक छोटी सी कंपैरिजन, और ये वीडियो कैसी लगी आपको बताइए, होप अच्छी ही लगी हो। बाकी तो भाई कंक्लूजन में आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए आपको दोनों में से। तो अगर हम लेने की बात करें तो देखिए, अगर आपको थोड़ा रेट्रो काइंड ऑफ बाइक पसंद है तो आप इसके साथ जा सकते हो, ये थोड़ी मॉडर्न टाइप की है। अगर आपको मतलब यंग हो और आपको थोड़ा मॉडर्नाइज टाइप की चाहिए तो आप ये ले सकते हो, इसका प्राइस भी कम है। ये 1,12,000 की है और 1,19,000 की है, एक्स शोरूम लखनऊ। मेरा जो पर्सनल फेवरेट होता है वो रेट्रो होता है, तो मैं FZX के साथ जाऊँगा। और आप किसके साथ जाना चाहोगे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे हिसाब से ये लेनी चाहिए, लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट के हिसाब से लेटेस्ट फीचर्स के साथ ही आपको जाना चाहिए। तो मेरा तो यही ओपिनियन है, बाकी सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए और मस्त रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय। We could be legend.